देखो आ क्वेश्चन मैं तुहानू होम वर्क लिए दिता सी कि मैं आ क्वेश्चन तो आप शुरू करांगे हुण। देखो जिवें ही आप स्विच नूं ऑन करते हैं आप देखिया सी जिवें आप इत्थे पुछया भी की होया, देखो उन्होंने पुछया फाइंड द करंट सप्लाइड बाय बैटरी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो जो आप स्विच जस्ट क्लोज करते हैं आपको पता कैपैसिटर के अक्रॉस उस टाइम ना तो कोई चार्ज हुंदा है ना, क्योंकि आप कैपैसिटर क्योंकि अपना अनचार्ज है ना, इनिशियली अनचार्ज होया सी, अक्रॉस कोई वोल्टेज होगी फिर नहीं होगी ना, यानी कैपैसिटर ने कोई भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं करनी इस स्टेज से। तो आप सोल्यूशन करने पता ही करते हैं, आप यही सोच के चल पाने जिमें कि कैपैसिटर हो गई ना उस जगह पर बस तार ही इमेजिन कर लो, तार ही है समझो, एक वायर ही है बस इस तरह, क्योंकि वो अक्रॉस कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं होंगे जो आप जस्ट हले स्विच ऑन किया है या क्लोज किया स्विच। सो इस तरह इमेजिन करके तुम करंट फाइंड कर सकते सर्किट, तो थोड़ा पता है कि करंट की आएगा। यह हम सीधा ही क्वेश्चन बन गया थोड़ा, जिम्मे रजिस्टेंस का नॉर्मल एक सर्किट होंगे है, तो थोड़ा पता है आ दोनों रजिस्टेंस आपस पैरल च ने, तो ये आर सीरीज ने, टोटल नैट आर इफेक्टिव कि आई सोचो, मेहरबानी कर दिया करो, ये तो हम कि आई आर इफेक्टिव, टू आर से आर की कि आएगी, टू आर बाय थ्री आएगी मल्टीप्लाई बाय सम प्लस ओ आर आएगी सीरीज वाली या नीचे वाली, किना आ रहेगा फाइव आर बाय थ्री, देखो थोड़ा करंट आएगा इन ओबली बैटरी ने कि लीव किया करंट आ पता करना, तो आ करंट कि आएगा इनिशियली करंट ई बाय आर इफेक्टिव, तो कि बन गया है थ्री ई बाय फाइव आर। सो ए तुसी कीता होना, समझ लग गई सबनों ने? यस सर। हुण आपां गल अगे करदे आ, जिहड़ी गल मुख तौर ते जिहड़ी आपां करन चले सी इत्थे मैथमैटिकली थोड़ा जिहा काम करांगे, मैथमैटिकली चीज़ां नूं समझांगे, थोड़ा जिहा तकलीफ हो सकदी है मैडिकल वाले बच्चों नूं जिन्हां नूं मैथ तो थोड़ा जिहा ओह होवे कि वी बहुत ज़्यादा मैथ इश्यूज हो गया, पर गल नूं समझ पाओगे बहुत चंगी तरह तुसी, ठीक है। मैं जो भी स्टैप्स में मैथ से जो करूँगा यूज करूँगा इंटीग्रेशन वगैरह मैं करके दिखा दूंगा तुम्हें, कोई वो चक्कर नहीं, पर गल नूं समझो। हुण आपां एक गल तां दिमाग च पिक्चर क्लीयर रखो ना, एक गल तां हमेशा पता होनी चाहिए है कि जो कोई भी नॉर्मल रजिस्टर हुंदा है ते आपां उहनूं लगाया आपां मान लो कपैसिटर दे नाल, या असीं कपैसिटर नूं चार्ज कर रहे हैं थ्रू अ रजिस्टर, हाँ वी करंट थ्रू अ रजिस्टर आ रहा है अपने को, इत्थे अपने को स्विच है आ अपना ई एम एफ ई इक्वल टू वी कह लो जो मर्जी इज इक्वल टू दिस है ना, तो कपैसिटर इनिशियली अनचार्ज है, तो तुहानू पता है कि एट टी इक्वल टू जीरो की होंगे कि जिहड़ा सारा वोल्टेज है कि अक्रॉस ड्रॉप होंगे एट टी इक्वल टू जीरो, हुण तुसीं सारी गल समझ चुके हो पहला या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच की होंगे करंट कि होंगे सर्किट च, दसो आई नॉट कह लो वो कि बराबर होंगे दसा दौ हाँ ई बाय आर या वी बाय आर जो मर्जी कह लो है ना, ई बाय आर होंगे एट टी इक्वल टू जीरो, तो थोड़ी देर बाद की होंगे ये करंट ग्रो करता है ना, है ना ग्रो करता है कि रिड्यूस करता है मतलब घटता है कि बढ़ता है करंट, घटता है सर हाँ घटता है, एक करंट घटता है तो बढ़ता की है फिर कैपेसिटर से चार्ज बढ़ता है ना, तो एट टाइम टी इक्वल टू टी मान लो जो मैं कह रहा कि मान लो इस टाइम तक करंट होंगे आई, आई करंट मान लो इस टाइम है तो कैपैसिटर इस टाइम तक चार्ज हो चुका होना, तो मान लो कुछ चार्ज क्यू आ चुका है उपर मान लो क्यू, पर एट एनी टाइम टी आ सिचुएशन एंड एट एनी टाइम टी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जनरली तुसी इहदे विच केवीएल लगा सकते हो ना, यस सर इत्थों स्टार्ट कर दो इस पॉइंट तो शुरू कर लो ब्रांच ब्रांच ला फिर केवीएल इधरों स्टार्ट तो इधर चलिए कि आगे बैटरी पॉजिटिव ई की मैं नैगेटिव ही दस पॉजिटिव आऊगी ना फिर अगे जाके जो इधर आएगा आ हायर आ लोअर तो जा भी यहीं रहा पता करता करता नीचे नु जा रहा माइनस आई इन टू आर उस तो माइनस टू बाय सी इक्वल क्लियर गल हाँ जी इहदे च दो वेरीएबल ने इस पूरी इक्वेशन च दो वेरीएबल ने एक तो है आई वेरीएबल क्योंकि करंट हौली 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 घटता जाता है तो जो चार्ज है कपैसिटर वो हौली हौली बढ़ता जाता आ भी वेरीएबल है ना दो वेरीएबल ने इहदे च ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
डी क्यू बाय डी टी है ना। हाँ जी इतों आप इंट्रोड्यूस करांगे तो आप पता लगू टाइम के नाल किवें वेरी करेंगे। पर इधर ही पहला पैसा देख लिए अपने को की आया देखो आई आर कि बराबर आया ई माइनस क्यू बाय सी आ गया ना। एट एनी टाइम टी गल कर रहे मैं आई आर इक्वल ई माइनस क्यू बाय सी ते आप जे इतने लिखिए आई की जगह लिख दिए डी क्यू बाय डी टी आप कपैसिटर के उपर जो चार्ज है ना उन्होंने देख रहे हैं कि चार्ज किमें बढ़ रहा वो उपर या वो इक्वेशन लिखन जा रहे हैं इन टू आर आ गया। तो हूँ जे मैं एज अ वेरीएबल सैपरेबल सोल्व करा तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने सिखाए सर वेरीएबल सैपरेबल जिम्मे डी क्यू है डी टी उपर लै लो उधर क्यू वाले टर्म्स नीचे ले आओ तो वो तो वह की करोगे पहला पहला तो करो डी क्यू इन टू आर डिवाइडेड बाय डी टी एन करोगे ए बने का सी ई माइनस क्यू डिवाइड बाय सी आएगा। सो एनू जे करोगे सोल्व करना हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए नॉन मैडिकल वाले तो यह खेड़ हो जानी है क्योंकि अगर जाके इन्ना वधिया तरह डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेनी है तो कुछ बहुत वड्डी गल नहीं रहनी थोड़ी लिए हाले तुम सोच हो सकता तुम भी सोचो कि भी काफ़ी औखा बाद कहो कि बहुत सौखा है डी क्यू दे नाल आपां अनचेंज डी टर्म्स हैगी ना अनचेंज इधर ले आइए क्योंकि क्यू वाली टर्म है ना वो सी ई माइनस क्यू तो इधर आर सी नीचे आ जूगा और डी टी उपर लै लो होया की है सी ई कॉन्सटेंट है आर सी भी कॉन्सटेंट है क्यू एक वेरीएबल है टी वेरीएबल है बाद आप की करते हैं दोनों पास इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन इधर लिमिट की लिखा है चार्ज की ना। यस सर चार्ज की लिमिट कह पावे कि शुरू में मान लो चार्ज जीरो से हम मान लो चार्ज है क्यू तो क्यू की लिमिट क्यू तो लैके जीरो तो क्यू तक पुट करा टाइम जीरो तो लैके टी तक है बस उ जिम्मे आप नॉर्मली गल करते हैं ठीक एद हल आप कर लें हम हल की आऊगा देखो हम ए राइट हैंड साइड से वन ओवर आर सी बाहर आ जाऊगा कॉन्सटेंट ही है तो लैफ्ट हैंड साइड में किमें सोल्व करा देखो लैफ्ट हैंड साइड में सोल्व करने मैं इतने रफ च फिर दिखा देना तुम्हें किमें सोल्व करते हैं इस तरह के इंटीग्रल इंटीग्रेशन देखो जो कोई भी इंटीग्रेशन हो जिसे नीचे कोई लीनियर फंक्शन आ रही कहने का भाव यह कि मान लो इस तरह का इंटीग्रल करना आ रहा उपर है मान लो डी एक्स बटा नीचे है ए प्लस बी एक्स इस तरह का कोई भी टर्म आ गई मान लो मतलब इस तरह देखो लीनियर टर्म आ गई नीचे मतलब एक्स की सिंगल पावर वाली तो ना कुछ कॉन्सटेंट है इस तरह के इक्वेशन सोल्व किमें करते हैं आप की करते हैं डिनोमिनेटर जेड पुट कर लें मान लो सबस्टिट्यूशन करते हैं पुट यदा ऑप ऑटोमैटिकली डायरेवेटिव उपर मिल जाना तुम्हें जेड इक्वल टू ए प्लस डी एक्स तो डी जेड बाय डी एक्स करोगे तो की आऊगा दसो मैं बी आऊगा तो डी जेड की आऊगा बी डी एक्स आऊगा है ना आ गल समय लगी सर नू आप बी डी एक्स आऊगा बी डी एक्स की मैं बढ़ा लीए आप करते हैं बी ना गुणा कर देने बी ना बटा कर देने तो जहाँ सोल्व हो जाता है कम फिर इतने आ जाऊगा यह की बन जूगा एक बटा बी आ जाऊगा बाहर इंटीग्रल उपर की बन गया डी जेड बन गया ना जेड बनाना से डी जेड बनाना से नीचे जेड है ही है हूँ डी जेड बाय जेड का इंटीग्रल की होंगे लॉग नहीं हों सीधा ही है ना आई हों ना जिमें लॉग एक्स का डेरीवेटिव हों वन ओवर एक्स तो वन ओवर एक्स का इंटीग्रल की होंगे लॉग ऑफ एक्स यह किराया है ना लॉग जेड जो है जेड की जगह से इतने की आएगा फिर लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स उ बिल्कुल इस तरह सीधा ही लिखना चाहो तो इतने ए की वैल्यू की है सी ई है ना कॉन्सटेंट ही है बी की वैल्यू कि माइनस वन है ना सीधा ही मैं लिख सकता वन ओवर बी यानी वन ओवर माइनस वन माइनस लॉग ऑफ सी ई माइनस क्यू आ गया तो ये लिमिट्स पुट करनी ने अपना जीरो तो लैके क्यू तक सीधे लिखता मैं आ सॉल्व आ किता है इन समझना देख लो किवें करना है ठीक है वन ओवर आर सी बाहर आ गया डी टी का इंटीग्रल की होगा कला टी होएगा यस सर आह की बनेगा देखो हूँ जी आ चीज है ए बनेगा जीरो तो लैके क्यू तक तो इन्हू पहला क्यू पुट करोगे पहला माइनस साइन तो बाहर ही कट लो पहले ही बाहर कट लो माइनस साइन फिर लिमिट पुट करो आ माइनस बाहर आ गया मान लो सीधा ही हूँ क्यू पुट करोगे बनेगा लॉग ऑफ सी ई माइनस क्यू
माइनस जीरो पुट करोगे, क्यू जीरो पुट करोगे, लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू वन ओवर आर सी इन टू, पहला टी पुट करोगे फिर जीरो, टी आएगा कल्ला तो उन तो कैलकुलस मेथड कैनेमेटिक्स इक्वेशन वगैरह सब कराया सी, पता ही होना है। हुण आ माइनस साइन ना उधर लै जो, एनू एच प्रॉपर्टी लाओ, लॉग की प्रॉपर्टी की होंगी, लॉग एम माइनस लॉग एन की होंगी है, यस लॉग एम बाय एन इन लॉग सी ई माइनस क्यू बाय सी ई आ गई लॉग, आ माइनस साइन चाके इधर लै जो, ताई पाने का माइनस वन ओवर आर सी इन टू टी आ गया। मैं दसूंगा इधर आप रिजल्ट कड़ा मिल रहा है तो फायदा की है, मैं आप थोड़ा सॉल्व कर ली हो आ गया। हूँ देखो ए की बनया, हूँ देखो ए बन गया सी ई माइनस क्यू बाय सी ई इज इक्वल टू, ए बन जूगा ई रेज टू पावर माइनस वन ओवर आर सी इन टू टी, ये तो पता ना लॉग उधर जाके एक्सप्लेनेशन बन जाता। देखो ध्यान ना समझो, अगर मान लो लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू बी होवे तो तुम ए नू लिख सकते हो, एक्चुअली लॉग का बेस भी डिपेंड करता इतने, जिम्मे नेचुरल लॉग हो जिम्मे लॉग का बेस मान लो पांच है तो तुम ए नू लिख सकते हो पांच की पावर बी, ठीक है गल। इसी तरह ही जो तुम नैचुरल लॉग हो, नैचुरल लॉग ही जो आप कर रहे बेसिकली, नैचुरल लॉग ही लिखो तुम, बल्कि कंफ्यूज होने की लड़ नहीं, से इट इज नैचुरल लॉग एल एन लिखो, नैचुरल लॉग लिखो, यानी बेस ई है इसका नैचुरल लॉग, इस तरह नैचुरल लॉग, तो नैचुरल लॉग का उधर जाके की बनेगा ई रेज़ टू पावर बन जाएगा, आ की बनेगा आ बनेगा ना, यस सर। फिर क्यू बाय सी ई की बराबर बनेगा, देखो आ बनेगा, क्यू के बराबर बनेगा सी ई वन माइनस ई रेस पा माइनस टी बाय आर सी आ बनेगा। इथों सानू पता लगेगा कि किसे पर्टिकुलर टाइम ते किसे कैपेसिटर, उस कैपेसिटर च किन्ना चार्ज आएगा, टाइम की वैल्यू तुसी पुट करते रहो तो तुहानू उस पर्टिकुलर मोमेंट ते चार्ज पता लगता रहेगा। ये रिजल्ट बड़ा इंपोर्टेंट बन गया एक, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बिना इस रिजल्ट इसे दही भी हो जाएंगे, क्योंकि हम तुसी गल ही सारी पिक्चर ही घुमाती है। आप पिछले लैक्चर आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया ना एक ही लैक्चर एक ही गलू, गल जो थोड़े दिमाग से पिक्चर क्लीयर हो चुकी है, आप हम तो मैथमैटिकल पार्ट थोड़ा दिखा रहे हैं थोड़ा कि क्यू ए बराबर आएगा। सो भाई ये चार्ज है ऑन द कैपैसिटर एट एनी टाइम टी, तो रिलेशन थोड़ा अजीब जहा लग रहा थोड़ा पर आप इन देख सकते हैं ग्राफ किमें बनेगा, जो तुम ग्राफ देखना चाहो कि क्यू नू टी प्लॉट करना चाहो तो किमें प्लॉट करोगे, जिम्मे क्योंकि इतने टी वेरीएबल है बाकी सारा तो कॉन्सटेंट ही है। सो आप ग्राफ देखते हैं कि बनेगा, तो सब तो पहले आप गल करते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वैसे गल करिए ई रेज़ पर एक्स का ग्राफ क्यों बनता है, ई कोई भी नंबर है तुम नंबर मान के चलो, ई ई जगह कुछ भी सोच के चलो 2.718 वैसा होता पर आप कुछ भी नंबर मान के चलते हैं, फंक्शंस बारे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए बंदे नूं, ग्राफ वगैरह पता लगता रहना पड़ा ए मान लो, जे मान लो इतने आ एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है तो तुम प्लॉट करना है वाई इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स, तो पहले एक्स नो जीरो पुट करो ई रेस पर जीरो, आंसर क्या आएगा वन आएगा ना, तो इतने वन ते आ गया, मान लो आ वन है, जस्ट समझने लिए आ वन है आ टू है आ थ्री है, इस तरह चलता है आ माइनस वन है, इस तरह आ माइनस टू है एंड माइनस थ्री है एंड सो ऑन, सो ई दी वैल्यू एक्स दी वैल्यू जीरो पुट करो तो आंसर इतने वन ही आएगा, इतना पक्की गल है, अगर तुसी वन पुट करोगे तो आंसर ई आएगा ना, 2.718 दे लगभग नहीं इतने कितने आएगा आंसर इतने, फिर जे टू पुट करोगे तो आंसर उसकी 2.718 दी पावर 2 आएगी, जे 3 दी पावर 2 होंगी तो 9 होनी सी 9 ये काफ़ी उपर चल जानी वैल्यू, बेसिकली एनू ही कहते एक्सपोनेंशियल इनक्रीज होना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज काफी स्टीप होंगे, इस तरह यह ग्राफ इस तरह का बनेगा, इस तरह एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होएगा। अच्छा अगर माइनस वन आए तो वन ओवर ई आ रहेगा ना, एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तब
अप्रोच करेगा पर कभी भी आप दिखावे टच करता है जिनी मर्जी वैल्यू ले लो पॉजिटिव रहेगा आला ग्राफ बनया ना ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ बनया ए समझ लग गई सबनों ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਰੇਸ ਪਰ x ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ 3 ਰੇਸ ਪਰ x ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ e ਰੇਸ ਪਰ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਜੇ e ਰੇਸ ਪਰ -x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ e ਰੇਸ ਪਰ -x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਐਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਹੁਣ ਇਧਰ ਨੂੰ ਐ ਕੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਰੇਸ ਪਰ -x ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯੈਸ ਨਾ अच्छा किसी फंक्शन का माइनस कर दो ग्राफ किवें बनता है नैगेटिव ऑफ फंक्शन जिमें देखो मैडिकल वाले बच्चे तो मैं स्पैशली दस रहा वा फंक्शन घट डील किया हूँ मान लो आवा एक्स वाई का कोई कोई भी ग्राफ है जस्ट कोई भी ग्राफ मान लो कोई ग्राफ बन गया इस तरह मान लो ओहो ग्राफ बन गया मान लो आ ग्राफ मान लो एफ ऑफ एक्स तो यह नैगेटिव कर दो जो सब कुछ नैगेटिव कर दो तो नैगेटिव ग्राफ किवें बनेगा ए जो वैल्यू इतने आ रही होगी वह नैगेटिव आएगी ना फिर वैल्यू फिर ये नीचे यदि इमेज मिरर इमेज नहीं बनती जिम्मे ए बन जाएगा ग्राफ ए करके पूरा आ ग्राफ होगा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्लियर है गल उसी तरह हुण जे माइनस ई रेस पर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना हो आर ग्रीन वाला जो ग्राफ बनया एदा की होएगा मिरर इमेज होएगा ना एदा मिरर इमेज किवें होएगा फिर ए होएगा ना देखो माइनस वन तो पास करेगा तो ए होएगा माइनस वन चो पास होता है ए करके ए किदा ग्राफ बनया ए बन गया माइनस ऑफ ई रेस पर माइनस एक्स का देखो पहला ई दफा एक्स का बनाया आप फिर ई दफा माइनस एक्स का बनाया है ना तो फिर आप हम माइनस ऑफ ई दफा माइनस एक्स का बनाया अच्छा जे किसी फंक्शन से ऐड करना हो कुछ जी मान लो इतने ग्राफ बन गया एफ ऑफ एक्स का जे मैंने कोई कहे एफ ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाओ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनया पाया ब्लैक वाला तो प्लस वन की होगा हर जगह वन ऐड हो जाएगा इतने हर जगह वन ऐड हो जाएगा वैल्यूज है कि नहीं यस सर तो भाई ग्राफ ग्राफ फिर एक उपर चल जाएगा बस ए करके बिल्कुल ए करके आ डिस्टेंस जिथे मर्जी देख लो इस वन का डिफरेंस होएगा आ वाला वन होएगा डिफरेंस क्यों क्योंकि आप वन प्लस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया ना उस तरह हम इतने जो ग्राफ देखे आए आ माइनस एक्स माइनस ई तो माइनस एक्स का ग्राफ आ जे इस वन ऐड कर दिए तो हर गल वन ऐड करोगे तो आ जीरो तो आ जाएगा ना इतने इतने आ जाएगा ना माइनस वन वाला पॉइंट आ भी सारा उपर चल जाएगा तो बेसिकली जरा आ वाला है ना यदि बजाय तुसी इत्थे इमेजिन कर सकते हो एक लाइन एक वन से जीरो के बजाय आ इस तरह जिवें इहदे नाल लग्या इसने हुण इहदे नाल लग्या है अपना ग्राफ बनेगा इस तरह समझ लग रही गल इस तरह ग्राफ बनेगा एक ग्राफ बनेगा वन माइनस ई रिश्ता माइनस एक्स का ते आ वो ग्राफ है जिहड़ा आपां लभदे पए आ इह आपां किवें लभ रहे आ आ इतने एक्स की बजाय टी है नाल कुछ लगे वन ओवर आर सी कॉन्सटेंट तो बेसिकली जो वेरिएशन होगी उ वेरिएशन होगी ना चार्ज की समझ लगे आपां नूं पर इतने पता आपां टी की वैल्यू नैगेटिव जानने देनी जीरो तो ही पुट करनी है ना तो इसलिए साडा जिहड़ा ग्राफ असली ग्राफ जो साडे मतलब दा ग्राफ होगा वह आ होगा येलो क्लियर तो आप बस कुछ नहीं आप जी इक्वेशन बनाई है ये जो आप चार्ज देखना चाहते हैं चार्ज ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस तरह ड्रॉ करांगे कि आ होएगा चार्ज
मान लो इधर प्लॉट किया चार्ज इधर प्लॉट किया टाइम टाइम आप नैगेटिव नहीं लैना तो लोड ही नहीं अपन तो ना ही आप लेना नैगेटिव कहते उल्टी डायरेक्शन चार्ज करना तो वैसे अं रखा तो ये एक वैल्यू इतने आप रख दें चार्ज जी हूँ देखो जी यदि वैल्यू आएगी वन माइनस दैट जो लिया आप जो भी वैल्यू आएगी जो ग्राफ बनया उस मल्टीप्लाई किया ना सी नाल है ना सो जो वैल्यू जो वन आएगी तो बेसिकली वैल्यू सी ई आएगी ना है ना सो जिवें आ वन अप्रोच कर रहा है ना इतने ग्राफ अपना आ वन तो हम कि अप्रोच कर रहा है सी ई अप्रोच कर रहा है ना आई वैल्यू है किन्नी है आ हैगी सी ई क्यू क्यू ई दी वैल्यू किन्नी सी ई दी वैल्यू है चार्ज जिहड़ा ना वध रहा कैपेसिटर च एक्सपोनेंशियली वधदा आ ते वधदा वधदा ओह सी ई होण दी कोशिश करदा टाइम दे नाल नाल ते कदी भी पूरा फुल चार्ज नहीं मन्या जाऊगा पर आपां जिवें जदों बहुत सारा चार्ज हो गया ते यानी काफी क्लोज हो गया सी ई दे तां आपां कह देने कि हाँ बस गल खत्म हो गई एक्सपोनेंशियली थ्रेटिकली जो आपां मैथमेटिकली कीता काम वो तो दिख रहा कि बस इनफिनिटी से जाके ही चार्ज होगा पूरा तो आप काफ़ी देर तक ला के फिर छड़ देने कि हाँ भी चार्ज हो गया आ चार्ज का वधना है कपैसिटर के जिमें मैथमैटिकली दिखाया जाए तो कल थोनों मैं वैसे जनरली दसिया सी ना कि हौली हौली कपैसिटर से चार्ज वधी जाएगा करंट उधरों सर्किट से घटी जाएगा सारा जो वोल्टेज सी बैटरी का वो सारा का सारा किले अक्रॉस आई जाएगा हौली हौली हाँ पर जो टाइम t इक्वल टू जीरो है उदो सारा वोल्टेज किधर क्रॉस सीगा हाँ ठीक है गल सो इत अपने को वैल्यू आई सीई सीई जी सीई तो कहने कि जो पूरा सारा चार्ज कैपैसिटर से फुल चार्ज हो गया तो आप जो क्यू सीई हो सीई बोलते हैं सीई इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट चार्ज सीई इज कॉल्ड स्टेडी प्रैक्टिकली मान ला कुछ देर लगाया ना ते जदों सी दे काफी नेड़े पहुंच गया कहने पापा हो गया चार्ज बस छड़ दो ओके सर एक्सपोनेंशियली दैट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर ग्रोज एक्सपोनेंशियली दसो गल समझ लग गई सबनों ठीक है yes, sir. हुण जे कोई पुछे कि चार्ज तो ग्रो करता है ते करंट भी तो बदल रहा है फिर करंट बारे भी तो कुछ दसो आप कहने करंट आप दो तरह कैलकुलेट कर सकते हैं सो नाउ वी कैन कैलकुलेट करंट भी तो देखना आप कैलकुलेट करंट एट एनी टाइम टी भी आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम से करंट किवें पता कर सकते हाँ तो देखो ये कोई तरीके ने जो तुम चार्ज मिल चुके इन टर्म्स ऑफ टाइम ना क्यू ऑफ टी जो आप हमने लिखा पिछे तो वह जो डेरीवेटिव ही कर दो टाइम के नाल डी क्यू बाई डी टी तो थोड़ा करंट मिल जाएगा ना एट एनी टाइम टी है कि नहीं समझ लग रही गल सो जे हम चार्ज है चार्ज हूँ आप लिखा होगा सी ई वन माइनस ई रिस्पा माइनस टी बाय आर सी ये आप अगे जाके देखा वन ओवर आर सी टाइम कॉन्सटेंट कहते हैं पर हों की अगे जाके गल करा तो डी क्यू बाय डी टी कर दो करंट आ जाएगा सिंपल जी गल है डी क्यू बाय डी टी करो की आया डी बाय डी टी ऑफ दिस पहला खोल लो सी ई माइनस एक मिनट सी ई माइनस सी ई ई रिस्पा माइनस टी बाय आर सी आई है ना ये डेरिवेटिव करनी सी कॉन्सटेंट है तो डायरेक्ट की हो जाएगा जीरो फिर सी ई कॉन्सटेंट है कॉन्सटेंट प्यार होगा ई रेस पर समथिंग जो होंगे है वह डायरेक्ट की होंगे उही होंगे ना पर नाल गुणा करते हैं वह डायरेवेटिव ना चेन रूल
याद है कि भूल चुके हो? मान लो जे वाई है तो ई रेस पर टू एक्स है तो डेरीवेटिव थोड़ा की आता सी पहला एक्सपोनेंशियल करते सी फिर गुणा टू एक्स का डेरीवेटिव टू ना मल्टीप्लाई करते सी याद है वही किया मैं इतने वन ओवर आर सी माइनस वन ओवर आर सी गुणा किया क्योंकि टी दे रिस्पेक्ट टू कर रहे हूँ माइनस ना माइनस कटिया गया सी ना सी भी तो कटिया गया यह आ गया ई बाय आर एंड ई रेस पर माइनस टी बाय आर सी ये अपना आ गया करंट एट एन टाइम टी दसो गल क्लीयर हुई कि नहीं चेन रूल देखो मैं दस दूंगा अगले पेज से दस दूंगा फिर देखो चेन रूल की है चेन रूल च अपना किया मान लो जो वाई है मान लो कुछ भी है मान लो साइन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री है जिम्मे आ इस तरह की कुछ क्वेश्चन ने अपने साइन का डायरेवेटिव तो तेन पता ही है कि कॉज हों पर मतलब ये तो साइन एक्स का कॉज एक्स हों यह टू एक्स प्लस थ्री है आप की पुट करते फिर आप पुट करते टू एक्स प्लस थ्री न जैड तो अपने को वाई की बन जाता सी साइन जैड एंड जैड की बन गया टू एक्स प्लस थ्री है ना सो आ चेन बनती देख वाई इन टर्म्स ऑफ जैड जैड इन टर्म्स ऑफ एक्स इतों आप कैलकुलेट करते डी वाई बाय डी जैड इतों की कैलकुलेट करते dz by dx ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dy by dx ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ yes sir ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਇਧਰ ਦੇਖ ਇਧਰ ਆਏਗਾ dy by dz sin ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ cos z ਗੱਲ ਖਤਮ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ dz by dx ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ dz by dx ਨੂੰ ਸੌਰੀ dy by dx ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖ ਦੇਗੇ ਇੱਥੇ cos of z ਆ ਗਿਆ 2x plus 3 ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਸਾਈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਕੋਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹ 2 ਆਏਗਾ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ y is equal to e raised to power ਮੰਨ ਲਓ 2x ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਸਿੱਧੇ dy by dx ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਦਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਗੁਣਾ 2x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਟ ਟਾਈਮ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ i ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਈ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਈ ਬਾਈ ਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ i ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਈ ਬਾਈ ਆਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਏ ਆ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ ਟਾਈਮ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ e ਬਾਈ r ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਰੰਟ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ q ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ec ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਬਾਈ r e ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਨਸ t ਬਾਈ rc ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਯੈਸ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਸੋ ਚਾਰਜ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਰੰਟ ਘਟਿਆ ਵਾ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਰਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਈ ਬਾਈ ਆਰ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇ ਇਹਨੂੰ z ਨੂੰ n z ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ a + bx ਨੂੰ z ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਨੀਚੇ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਲੱਸ 1 ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ dz / dx ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ b ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯਾਨੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ x ਤੋਂ z ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ z ਨੂੰ ਫਿਰ x ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਚ dq ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਲੱਗਿਆ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ce ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐ ਆਇਆ ਤੇ ਆਈ ਐ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਐ ਬਣਿਆ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਵੀਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵੀਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਸੇ ਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਊ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀਈ 1 ਮਾਈਨਸ ਈ ਰਿਜ਼ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਬਾਏ ਆਰ ਸੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਵੀਐਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਆਹ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਹੈ ਸੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਊ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਈ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੇਵੀਐਲ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਰ ਕੇਵੀਐਲ ਲਗਾਓ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਈ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਬਾਈ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਈ ਆਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਈ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਬਾਈ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਸੀ ਈ ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਈ ਰਿਜ਼ ਬਾ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਬਾਈ ਆਰ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਆਏਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਦਿਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਈ ਰਿਜ਼ ਬਾ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਬਾਈ ਆਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਆਈ ਆਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਹੇਗਾ ਈ ਈ ਰਿਜ਼ ਬਾ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਬਾਈ ਆਰ ਸੀ ਆ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਈ ਬਾਈ ਆਰ e ਰਿਜ਼ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਬਾਈ ਆਰ ਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੇਵੀਐਲ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯੋਗੇਸ਼ ਆਈ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ ਯੈਸ ਸਰ ਕੇਵੀਐਲ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੰਨੇ ਬਾਈ ਕਰੀਏ ਚਾਰਜ ਐ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਆ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਆ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੈਲਿਊ ਈ ਬਾਏ ਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
से डिक्रीज करता है। ठीक है गल? हुण जे तुसी थोनू कोई बंदा पुछेगा वोल्टेज, हुण वोल्टेज भी तां थोनू करवाया ही है ना, कर वोल्टेज भी किदे क्रॉस बढ़ेगा दसो हौली हौली। कैपेसिटर दे क्रॉस बढ़ेगा, रजिस्टर दे क्रॉस घटेगा। शुरू शुरू भी सारा बैटरी दा वोल्टेज किदे क्रॉस होएगा? हाँ, बाद भी किदे क्रॉस होएगा? हाँ। सो जे मैं इनू ए बना दवा कि इस तरह, जे मैं वोल्टेज अक्रॉस वो देखा, वोल्टेज अक्रॉस उन्हें प्लॉट करा रजिस्टर दे, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो भी होएगा तुसी दसो वो आई इंटू आर ही तो होएगा, है ना, उस टाइम पे आर कॉन्सटेंट है, जिस तरह आई बदल रहे हैं उसी तरह तो बदलेगा ना फिर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। yes, बस यह कि आई ना आर गुणा होगा, आई ना आर गुणा था ई आएगा ना मैक्सिमम पहले टी जीरो पे, है ना, ई तो एक करंट दे वांगू ही कटता जाएगा। इस समय लगी गल कि नहीं? हाँ जी। तो जे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तुसी देखना है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की दे बराबर होता है क्यू बाय सी देना, सी ता कांस्टेंट है, सी ता कांस्टेंट है इतने, तो फिर कहते हैं क्यू दे तरह ही बदलेगा ना, फिर जिवें क्यू बदल रहा है इस तरह तो वोल्टेज भी बदलेगा ना। हाँ जी। तो बद के वो किन्ना बनना जाएगा? ई, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जीरो तो शुरू होएगा हौली हौली चार्जिंग होंगे होंगे ऐ बदलेगा। सो आ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जिहड़ा आ वो चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जिहड़ा वो इसके अक्रॉस बिहेव कर रहा है। यह गल क्लीयर होगी सबनों? हाँ जी सर। यही गल जो आप इकट्ठा कर दिए एक ही डायग्राम के उपर, आ मान लो वी है, आ मान लो टी है, तो आ अपना मैक्सिमम वोल्टेज होंगे जो बैटरी का आप प्रोवाइड करते हैं। कपैसिटर सॉरी रजिस्टर दे विच सब तो पहला वोल्टेज इन्ना ही होंगे आ, फिर एक्सपोनेंशियली घटता है। हुण आ गल तुहानू समझ आ चुकी है, ये गल बारे आप कल तो ही इन्नी गल कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली घटता है इस तरह। ठीक है, तो उहदे केस च एकली काफ़ी नेड़े लैके आना सी मैं, चलो कोई नहीं बन गया जो बन गया, तो वो केस जीरो तो कपैसिटर के केस वधदा है इस तरह, मैक्सिमम होने की कोशिश करता है। ई आएगा वोल्टेज अक्रॉस कपैसिटर, यह हैगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, यानी एक मोमेंट इस तरह का भी आता होगा जो वोल्टेज अक्रॉस कपैसिटर से वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बराबर हो जाते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम भी पता किया जा सकता है। वो थोड़ा की है वोल्टेज के एक्सप्रैशन इक्वेट करना है बस, वो तो कुछ भी नहीं। समय लग गई गल सबन? हिमानी मान लो बैटरी तुसी 10 वोल्ट दी लगाई है, किसे टाइम ते किसे टाइम टी, जिसमें वैसे एग्जांपल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हैगा 4 वोल्ट, तो तू डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन दे दस सकदी है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना आएगा? 6 वोल्ट बस, पता ना ये गल? हां जी सर। ये तो अपने नॉर्मल वो है वाला केवीएल ही है समझ लो। हां जी सर। एक तरह का केवीएल ही हो गया। सो एट स्टेडी स्टेट थोनू आ गल्लां पता होनियां चाहीदियां ने सारियां जिहड़ियां मैं आ कर रहा ग्राफ बारे या इस सब चीज़ां नूं थोनू क्लीयर होना चाहिए। हुण देखो एट स्टेडी स्टेट नहीं बल्कि ए तां एट एनी टाइम टी ए तां हो गया ना टाइम दे नाल ग्राफ बणाया आपां सारे वेरिएशन दा। तो बेसिकली दो चीज़ां होंदियां ने, हुण दो ने तीन चीज़ां होंदियां ने समझो, एट टी इक्वल टू जीरो जदों असीं बोलदे आ जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, ये बारे अपनी गल कल दे लैक्चर ज्यादा हुई सी। फिर हुंदी गल एट एनी टाइम टी भी जनरली जो चल रहा प्रोसैस चार्जिंग का, फिर हुंदा वा एट टी इज इक्वल टू इनफिनिटी कह लो, ठीक है, या फिर इसनू इसी बोलते हैं स्टैडी स्टेट। स्टैडी स्टेट मतलब उदो जो कपैसिटर फुली चार्ज, कपैसिटर नियरली फुली चार्ज हो चुका होंगे,
ठीक है। सो किवें टाइम t इक्वल टू 0 दे ऊपर की हुंदा है सारा वोल्टेज किदे अक्रॉस हुंदा है रेजिस्टर। हां रेजिस्टर दे अक्रॉस हुंदा है वोल्टेज सारा ते कैपेसिटर जेड़ा वो एम्प्टी पिया या एम्प्टी या जो भी है जे एम्प्टी होवे तां सारा रेजिस्टर दे अक्रॉस हुंदा है जे कैपेसिटर एम्प्टी पहला तो ना होवे तां फिर आपां नूं केवीएल लगाना पैंदा तुहानूं पता ही है। एट एनी टाइम टी रेजिस्टर दे अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज हुंदा है सी दे अक्रॉस भी चल रहा प्रोसैस एदे अक्रॉस वोल्टेज जेड़ा घट रहा हुंदा एदे अक्रॉस वोल्टेज वध रहा हुंदा है ना ते एट स्टेडी स्टेट सारा वोल्टेज सी दे अक्रॉस हुंदा है ते रेजिस्टर दे अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं हुंदा क्योंकि करंट ही जीरो हो चुके हुंदे है। समझ लगी गल? यस। ते इस केस दे विच कैपेसिटर ते चार्ज वध रहा हुंदा तां ओदे लई आपां नूं अपनी वेरिएशन क्यू दे विच हुंदी है रेजिस्टर दे अक्रॉस बेसिकली करंट ही एक वेरिएशन है तां करंट दी वेरिएशन हुंदी है। करंट दी वेरिएशन किवें हुंदी है I is equal to E by R e the power minus T by RC the charge variation the charge equal to CE 1 minus e the power minus T by RC so hon pata lag gaya sab nu kadon kadon ki ki ho reha hunda yes sir theek hai so steady state da yaad rakhna steady state odo kehnde ne jadon capacitor puri tarah charge ho chukya hunda ya यानी कैपेसिटर दे विचों हुण कोई करंट पास नहीं कर रहा हुंदा है स्टेडी स्टेट का मतलब यही है। ठीक है हुण सवाल जे आपां एक होर देखिए मान लो इस तरह का है टू आर रजिस्टर लगे आया इत्थे आ आर लगे आया आ कैपेसिटेंस लगे आया कैपेसिटर लगे है सॉरी सी इस तरह जुड़िया है इधर अपने फिर आर लगे है तो इतने बैटरी लगी हुई है ई एम एफ ई वाली एंड आइडियल बैटरी मान लो इस तरह का हुआ है। सो वह कह रहे हैं द सर्कट ये देखो तुम पिछले जो इन्ने औखे औखे आप क्यू तो एक्सप्रैशन कटे की लड़ ही नहीं पैनी द सर्कट इज इन स्टैडी स्टेट जो उन्होंने कह ही दिता सर्कट इज इन स्टैडी स्टेट then find charge on capacitor। देखो इत्थे एक गलती नहीं करनी जिवें मैं पहला थोनू सिखाया कि जदों अपना बहुत सिंपल सर्कट हुंदा है ना कि सी ते आर लगे हुंदे ने सीरीज च बस ते नीचे ये बैटरी लगी हुंदी है तां आपां कहिंदे आ बैटरी दा पूरा वोल्टेज जिहड़ा है ओह जाके सी दे अक्रॉस चल जाएगा तां सी ते चार्ज सी ई ई आना हुंदा है होर की आना हुंदा फिर तां अंडरस्टूड ही है गल एक गल कल भी आप शुरू की थी लैक्चर तो शुरू ची आप यही गल कर रहे थे ना याद है सी वी कह रहे थे तुम्हें पर जो कैपेसिटर ए फसया हुआ विच रजिस्टर भी है ने एक सर्किट उपरों भी है भाजी एक तार इदा दी है एक इस तरह की लूप हैगी जिस कॉन्टीन्यूसली करंट चलता रहेगा कभी भी नहीं रुकेगा कि लूप है वो बोलो बैटरी तो निकल के आर तो होंगे सब तो उपर टू आर तक जाएगा उधर बाहर दी होके आ जाएगा विचकारली जड़ी सी वाली उच नहीं जाएगा करंट होर की है ना शुरू शुरू भी जाएगा ताके सी जड़ा है वो चार्ज होवे जिवें ही सी पूरा चार्ज हो गया नाल ही विचकारली गायब कोई करंट नहीं जाएगा ना फिर सो ओही दा कह रहे ने द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट मतलब उन्होंने सवाल ही आम पूछे भी जदों सर्किट स्टेडी स्टेट च है मतलब जदों कैपेसिटर दे विचों नहीं जा रहा चार्ज यानी कोई करंट नहीं पास कर रहा तो हुण स्टेडी स्टेट दे विच इस नूं सॉल्व करन दे लई तुहानूं बहुत ज़्यादा खज्जल होण दी है पिछले उहदी लोड़ ही नहीं है तुसीं सिंपली ये समझ लोगे कि इत्थों करंट निकलिया मान लो आई तो वह आई इत्थे तक आया इत्थों सीधा निकल जाएगा ना क्योंकि इह स्टेडी स्टेट है स्टेडी स्टेट ते ये पर चार्ज तो होएगा मान लो कुछ भी चार्ज मान लो क्यू है मान लो ये पर मैं नहीं पता कितना है पर हुण ये स्टेडी स्टेट आ चुकी है मतलब इधर करंट जाएगा फिर इस बैटरी इस कैपेसिटर वाले पास से इधर नहीं जाएगा ना करंट ऊपर ही निकल जाएगा ऊपर रजिस्टर तो जुड़े हुए हैं सारे ए करके चलेगा ये बेसिकली कैपैसिटर बारे आप अगे जाके पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट कैपैसिटर ब्लॉक्स डीसी कैपेसिटर की करता है ब्लॉक कर दिता है डीसी डायरेक्ट करंट में यानी बैटरी तो आने वाले करंट में कैपेसिटर
ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਲੌਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰ ਗਿਆ ਢਿੱਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ, ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਟ 'ਚ? ਕਰੰਟ ਸੈਂਟ ਬਾਏ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਬੈਟਰੀ, ਬੈਟਰੀ ਇਨ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੌਕ ਆ, ਐਂ ਆ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਬਸ, ਐਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? E/3R ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਇਸ ਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਔਨ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟੇਜ। ਆਪਾਂ ਨਾਓ ਯੂਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? KVL ਇਨ ਐਨੀ ਲੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੂਪ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲੂਪ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਅਰ ਹਾਫ, ਮੈਂ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਲੂਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਾਂਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਲੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ KVL ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ? ਸਰ E-IR ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਆਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ Q/C ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਊ ਮਾਈਨਸ Q/C ਆਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਊ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਾਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ E/3R ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ E/3R ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ E/3? ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2CE/3? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ CE ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਸ, ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ CE ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ CE ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, 2R 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਤਲਬ E/R E^-T/RC ਜਾਂ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CE ਐਂਡ ਬਰੈਕਟ 1-E^-T/RC, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ,
आरसी सर्किट बिहेव किवें करता है, कैपेसिटर हौली हौली चार्ज किवें हुंदा है, करंट हौली हौली घटदा किवें है, वोल्टेज हौली हौली शुरू शुरू विच सारा आर दे अक्रॉस हुंदा है, बाद च सी दे अक्रॉस हुंदा जांदा है, फिर जदों सी दे अक्रॉस पूरा वोल्टेज हो जावे तां गल उत्थे खत्म हो जांदी है, रुक जांदा है, करंट जीरो हो जांदा है, जीरो नूं अप्रोच करदा है। ग्राफ तुसीं देख ही चुके हो मैथमेटिकल। समय लगी गल हुण सारयां नूं, दसो। हाँ जी सो ये करंट इलैक्ट्रिसिटी दा इक मतलब इस तरह का पार्ट है जिहड़ा मतलब आपां सिख्या। सर टेस्ट विच भी आएगा हैं? सर टेस्ट विच भी आएगा आरसी करके। टेस्ट केड़ा कदों होना? सैटरडे। उसके बारे देखो मेनू तां कुछ पता नहीं, मैनूं दस्सिया नहीं कि मैं टेस्ट पाणा भी है कि नहीं पाणा वा, उहदे बारे मैनूं ठीक है। जिवें हुण आ सर्किट होवे, मान लो जे इस तरह का कोई सर्किट आ जावे, स्टडी स्टेट दे विच ही गल कर रहे हुण, मतलब आ सर्किट है, आ बैटरी लगी हुई है, तो आ अपना आर है रजिस्टेंस, तो इस तरह मान लो इतने कोई अपनी रजिस्टेंस टू आर ला देन, उहदे नाल इतने कैपैसिटर ला देन सी इस तरह, तो ये बार इधर जाके फिर अपना रजिस्टेंस ला देन आर या थ्री आर या टू आर जो मर्जी ठीक है। तो हम इस केस दे विच भी तुसी जे स्टैडी स्टेट दे विच गल करोगे तो स्टैडी स्टेट दे विच तुसी मैं की सोचूंगा, मैं स्टेट करंट पता करन लई मैं लगूगा ये वायर है ही नहीं है कि नहीं, समझ लग रही गल? यस सर। स्टैडी स्टेट विच तो इस वायर च करंट जाएगा नहीं, स्टैडी स्टेट च कैपेसिटर चार्ज हो के अपना नाल ही उन्हें सप्लाई बंद कर देनी उस तार च पूरी ब्लॉकेज ट्रैफिक जैम, फिर उपरों उपरों निकलना करंट, फिर यदा करंट डायरेक्ट मूह जबानी दसो कि आएगा E by 4 आ जाएगा बस, फिर जो करंट आ रहेगा फिर तुसी चाहे कैपेसिटर दे नाल चाहे इधरली लूप चक लियो चाहे इधरली लूप चक लियो, कैपेसिटर च चार्ज क्यों मान लियो हां, एदे अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होएगा नहीं, तो वो वोल्टेज देख के केवीएल लगा के थोनू पता लग जाएगा सी दे उपर स्टेडी स्टेट च चार्ज कितना आया ठीक है। डिस्चार्ज किवें हुंदा रेजिस्टर दे अक्रॉस, जिवें मान लो कि जे मैं कैपेसिटर कोई चार्ज कर लिया चार्ज, हुण चार्ज करके जे मैं तुहानूं कहा सी जे कैपेसिटर नाल इस तरह तार ला दईए, हिमानी तैनूं याद है ये सब कीता सी ना आपां, की होऊगा इत्थे जे इस तरह चार्ज इस तरह ला दईए, रोकेगी ना डिले करेगी कि नहीं, इत्थे भी डिले होएगा ना, हां जी सर। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ, ਬੈਟਰੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਚਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲਾਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਟ ਜੋੜਤਾ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਹੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ।